Let R be the relation defined by Q0, where Q0 is the set of non-zero rational numbers defined by R is equal to A comma B. A comma B belongs to Q0. B is equal to 1 by A. Check the relation R for reflexivity, symmetricity and transitivity. तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी को. यहां पर सब कुछ हमें मदर सेट Q0 से लेना है. तो A belongs to Q0 मान लो. और हम लोग ऐसा कर रहे हैं फॉर ऑल A belongs to Q0 हम लोग लिख सकते हैं. इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो A दोनों जगह होगा तो A is equal to 1 by A हो जाएगा. A square is equal to 1, A is equal to plus minus 1. ठीक है. तो यानी कि अगर ऐसा है तो 1,1 belongs to R हो जाएगा. माइनस वन कॉमा माइनस वन बिलोंग्स टू आर हो जाएगा. लेकिन यार क्यू जीरो में तो बहुत सारे एलिमेंट है ना. सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर. सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं. बस जो फ्रैक्शन में या डेसिमल में जिनको रखा जा सके वो सब रैशनल नंबर होते हैं. तो इसलिए तो और नंबर हम लोग सोच सकते हैं. जैसे मान लो 2,2, तो 2,2 के हिसाब से होना चाहिए 2 is equal to 1 by 2, है ना. तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा. इज रॉन्ग दिस इंप्लाइज. तो ये तो इतना करने के बाद भाई आपने जनरल तरीके से किया. अब अगर आपको ये क्लिक कर गया कि नहीं नहीं है 2,2 तो नहीं है इसका आंसर. 2,2 रिलेशन आर में रहता ही नहीं है. तो उस केस में आप सीधे इस लाइन के नीचे जो लिखा हुआ है इसकी भी शुरुआत कर सकते हैं. ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं. दिस इंप्लाइज 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर. ठीक है. तो 2,2 आर में नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इतना ही कर सकते हैं आप. और थोड़ी सी कंप्लीटनेस के लिए आप एक लाइन और लिख 2 belongs to Q0 ताकि दिक्कत ना हो कि भाई मदर सेट से ही हम अपना A लिए हैं. A या फिर 2 लिए हैं वो Q0 में रहता है और जो 2 है वो R को सेटिस्फाई नहीं करता है. R को सेटिस्फाई नहीं करता है तो R रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. अब चलो अगली डेफिनेशन ले. बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करनी होती है. यहां पे क्या करेंगे. A कॉमा A belongs to Q0. यहां पे A कॉमा A लिया था एक तरीके से. अब यहां पे A कॉमा B ले लेंगे. अब और आसान हो जाएगा. B is equal to 1 by A. सीधा डेफिनेशन को चिपका दिया. AB is equal to 1. A is equal to 1 by B. ठीक है. अब इधर से b इज इक्वल टू 1 बाई ए है तो इसका मतलब क्या है. देयरफॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r. भाई a कॉमा b बिलोंग्स टू r की डेफिनेशन तभी ट्रू है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. अब ये करते गए तो a और b की जगह हमने इंटरचेंज कर लिया. तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं b कॉमा a बिलोंग्स टू r. इससे शुरू किया और इससे खत्म किया. आप चाहते तो इस लाइन को इसके ऊपर भी लिख सकते थे. ऐसा भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इससे शुरू किया इससे खत्म किया. दिस इंप्लाइज या देयरफॉर लिख लीजिए. देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड दिस हैज इंप्लाइड दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. तो यहां तो कंडीशन ये हो गई. दिस देयरफॉर या सिंस कर दो यार. यहां पे सिंस देयरफॉर का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है. देयरफॉर आर इज क्या बोलो भाई. दूसरा वाला सिमेट्रिक. धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि सारे बच्चों को समझ में आता रहे. ये थोड़ा सा अजीब सी मैथ्स है.
ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है बच्चों, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस के बच्चों को, या मैथ्स जो लोग बिल्कुल मैथ्स में ही अंदर तक घुस जाते हैं उन लोगों को भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू क्यू जीरो, सेम चीज यहां पे चालू कर रहे हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बार ये जैसे मैं कह रहा था ना इसको यहां पे लिख सकते हैं, तो वैसे ही शुरुआत कर दी मैंने। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू वन बाई ए, बिल्कुल छाप रहे हैं इसको जो ये चल रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक चीज गिवन होती है, यहां पे दो चीज गिवन होती है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे एंड ये भी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वन बाई बी। अब हम चाहते क्या है कि ए और सी में रिलेशन बैठ जाए इसी टाइप का, भाई ए और सी यहां पे लिखते तो हम ये किसी तरह प्रूव कर दें सी इज इक्वल टू वन बाई ए, तो वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा साथ ही साथ, है ना। चलो ट्राई करते हैं। अब तो ए और सी में रिलेशनशिप लाना है, तो इसका मतलब है कि इस बी को हम लोग इसमें रख दें, तो सी इज इक्वल टू वन अपॉन ए, है ना, इसको यूज किया इसके अंदर। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज सी इज नॉट इक्वल टू वन बाई ए, लेकिन हम तो चाहते थे सी इज इक्वल टू वन बाई ए। दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, समझ रहे ना। इस दोनों से शुरुआत की, ये लाए और सी नॉट इक्वल टू ए प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सिंस, चलो ये लंबी लाइन खींच देते हैं यहीं पे निपटा देंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफोर आर इज नॉट ट्रांजिटिव पास, काम बन गया अपना। अब उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट R इज सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, तो देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव बट एंड नॉर, बट नॉट कुछ नहीं, नाइदर नॉर करेंगे ना, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक कमेंट में बच्चे ने कहा था सर योर हेड इज वेरी लार्ज, तो इसलिए मैंने लार्जर व्हाइट बोर्ड खरीद लिया और अब मैं व्हाइट बोर्ड के फ्रेम के बाहर ही चला गया। आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, बट आर इज सिमेट्रिक कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप फाइनल आंसर सबमिट कर देंगे। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।